नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गुरुजी में। सबसे पहले सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं तुला राशि का राशिफल। कैसी होगी तुला राशि 2018 में, क्या प्राप्त होने वाला है तुला राशि को। जी हां, तुला राशि के लिए 2018 अत्यंत शुभ है, जो कि काफ़ी नए कार्य लेकर आने वाला है। अनेक प्रकार की योजनाएं तुला राशि के लिए आने वाली है 2018 में, क्योंकि सबसे पहले जो अवसर 2014, 15 और 16 से लेकर 17 तक आपको परेशान कर रहे थे, आपके कार्य में बाधा आ रही थी, यानी पिछले 5 साल से जो बाधाएं आपके कार्य में अटकी हुई थी वो दूर हो जाएगी 2018 में, क्योंकि 2018 तुला राशि के लिए विशेष संयोग लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा शुभकारी होगा तुला राशि के लिए 2018। काफ़ी वर्ष से तुला राशि के काफ़ी कार्य जो है प्रारंभ करने के बाद रुक जाते हैं, या फिर किसी कार्य के कारण कोई भी कार्य जो है, कोई भी बिजनेस अच्छी तरह से रफ्तार नहीं पकड़ रहा है, उसके लिए 2018 अत्यंत शुभ होने वाला है, क्योंकि सभी प्रकार के बिजनेस जो है आप 2018 में अत्यंत शुभ कार्य के साथ कर सकते हैं। और 2018 तुला राशि के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है, विशेष प्रकार से तुला राशि के सभी कार्य बन जाएंगे 2018 में। तुला राशि के लिए बहुत शुभ होने जा रहा है 2018, इसलिए तुला राशि के जातकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने हौसलों को टूटने न दें, प्रत्येक कार्य में अपने हौसले बनाए रखें, आपके सारे कार्य बनेंगे 2018 के अंदर। आप जिस किसी बिजनेस को शुरू करोगे उसका शुभ अवसर आपको 2018 के अंदर ही नजर आएगा। विशेषकर मार्च का महीना आपके लिए अनेक खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि मार्च के महीने में आपको काफ़ी खुशखबरी मिल सकती है, जो कि आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जी हां, आपको जिस खुशखबरी का इंतजार है वो आपको मार्च के महीने में मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, मार्च और अप्रैल में आपको विशेष लक्ष्मी का योग भी बना है, जिससे आपको अत्यधिक लक्ष्मी का योग बना होने के कारण आपको अनेक प्रकार से लक्ष्मी आ सकती है, यानी आपके पास लक्ष्मी आने के अनेक स्रोत खुल सकते हैं 2018 के मार्च और अप्रैल के महीने में। बने रहे हमारे गुरुजी के साथ। प्रत्येक महीने की, प्रत्येक माह की राशि पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक माह की राशि भी डालते हैं हमारे इस चैनल पर। जुड़े रहें हमारे गुरुजी से। धन्यवाद। जय श्री राम।